गांधी विद्यालय में जैसा आपको वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से आया है और वो तो बहुत संगीन मामला है। टीचर जो है अपने स्टूडेंट से बहुत ही अश्लील बातें कर रहा है, लड़की को बुलाकर जबरदस्ती उन लोगों बात अनाप शनाप बात जो है कि बुरा बुरा तरह की बात बोलती है और उसके आधार पर कार्रवाई होगा। लेटर हमने निकाल लिया है, डीसी के भी संज्ञान में है, डीसी सर के भी संज्ञान में है मैटर और जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। झारखंड के गढ़वा जिले में गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हुए दो शिक्षकों ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा को पास कराने के नाम पर उसके साथ कर दी गंदी बातें। गंदी बातें यानी छात्रा के साथ अश्लील बातें की गई, वो भी स्कूल में कार्यरत दो शिक्षकों के द्वारा, जिन शिक्षकों पर छात्राओं के भविष्य को सुनहरा बनाने का दायित्व था। उन्हीं आरोपी शिक्षकों ने एक छात्रा के साथ शर्मनाक हरकत करते हुए परीक्षा में पास कराने के नाम पर उससे देर रात की अश्लील बातें। समाज को शर्मसार करने वाली यह घटना हुई है झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड अंतर्गत भूलही उच्च विद्यालय में। छात्रा के साथ स्कूल में कार्यरत दो शिक्षकों के द्वारा किए गए शर्मनाक घटना की जानकारी के बाद स्कूल में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं के अभिभावक और ग्रामीणों का एक जनाक्रोश देखने को मिला, एक गुस्सा, एक उबाल देखने को मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए गढ़वा उपायुक्त ने तत्काल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो दोनों आरोपी सहायक शिक्षक हैं नवलेश कुमार सिंह और विभूति नारायण सिंह, दोनों को तत्काल निलंबित कर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाए। बता दें कि ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी शिक्षकों के द्वारा पूर्व में भी इस तरीके की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही अक्सर स्कूल में दारू और शराब की पार्टी हुआ करती थी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि अक्सर इन आरोपी शिक्षकों और जो वहाँ पर कार्यरत अन्य शिक्षक उनके द्वारा पढ़ाने के बजाय पिकनिक जैसा माहौल स्कूल में रखा जाता था, जिससे पठन पाठन जो स्कूल में है वो पूरी तरीके से प्रभावित होती थी और इसके एवज में छात्राओं को अक्सर पास करने के नाम पर आरोपी शिक्षकों के द्वारा शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जाता था। जो मुझे संज्ञान में आया खरौंदी विद्यालय का जो मामला है, एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट से बहुत ही अश्लील बातें कर रहा है, उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है और प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है और जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे और ऐसी बातें अगर आती है तो हम लोग उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली डील करेंगे और हम लोग का नो टॉलरेंस पॉलिसी है तो हम लोग कोशिश करेंगे स्ट्रिक्ट एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाए। मामला यह है कि मेरी लड़की क्लास करने आती है, यहाँ पर तरह तरह की उसको आवाज उठा दिए मास्टरों ने, उठाकर बवाल चला दिए। इस तरीका की लड़की की है इस हालत बताया गया है। थोड़ी आदमी ने ग्रामीण ने हम लोग जोर होकर उसको पूछताछ किए तो सच्चाई मिला कि मास्टर ने गलती किया है। लड़की को बुलाकर जबरदस्ती उन लोगों बात अनाप शनाप बात जो है कि बुरा बुरा तरह की बात बोलती है। उसके बाद इससे पहले भी एक मुसलमान के लड़की के इसी कॉलेज में धमाका आवाज उठाकर उस लड़की को चित्रा दिया गया। तीसर का स्थान में भी हुआ, एक लड़की भी आई थी, उसको नाम घोषित नहीं कर रहे हूँ, मगर उसका भी यही गति हक मास्टर किए। हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब के साथ साथ अन्याय हो रहा है। वह सरकार से कसती है कि ये मास्टरों लोग रिजाइन किया जाए यहाँ से। खरौंदी विद्यालय में जैसा आपको वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से आया है और वो तो बहुत संगीन मामला है और यहाँ से विभाग के क्या अनुसार से कार्रवाई किया जाएगा, बहुत ही कठोर दंड दिया जाएगा जो विभाग जो ये कहता है नियमावली के अनुसार। और जैसा कि वहाँ से रिपोर्ट आया है, बीओ वहाँ का जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी है उस महोदय ने हमको दिया है और उसके आधार पर कार्रवाई होगा। लेटर हमने निकाल लिया है, डीसी के भी संज्ञान में है, डीसी सर के भी संज्ञान में है ये मैटर और कल बैठक करके वहाँ पर ब्लॉक स्तरीय कमेटी का जो प्रोसेस है उसके करके बर्खास्त का अनुशंसा कर दिया जाएगा। उसके बाद दोनों शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगा। पूरे जो आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है इसके आलोक में उपायुक्त ने एक कमेटी का गठन कर दिया है जो इन आरोपों की जांच करेगी। इसके साथ ही बता दें कि खरौंदी थाने में दोनों आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामले को दर्ज कर लिया गया। दोनों आरोपी शिक्षक फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा की अलग जगाने वाले शिक्षकों के द्वारा शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है, इसने गुरु शिष्य के जो पवित्र रिश्ते हैं उसे कलंकित कर दिया। अब देखना हो कि जब दोनों आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें शिक्षा विभाग क्या सजा देता है। इसके साथ ही इस तरीके की शर्मनाक घटना को रोकने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग क्या कड़े कानून बनाती है। देशवाणी न्यूज़ के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवाणी न्यूज़ का मकसद नहीं,
केसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।